आज की बात स्वागत। आपने एक प्रश्न जरूर सुना होगा। इसे प्रश्न कहने से बेहतर होगा कि ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि राजकुमार सिद्धार्थ, यानी कि जो कपिलवस्तु के राजकुमार हैं, राजा शुद्धोधन के बेटे, ये राजकुमार जब गृह त्याग करते हैं तो गृह त्याग करने के बाद ये बुद्ध बन जाते हैं और सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाम से आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो सिद्धार्थ गौतम है राजकुमार, इन्होंने जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग का ये कारण बताया जाता है और कारण ये बताया जाता है कि जाति जरा मरण, मतलब ये जो जीवन में जन्म का होना, फिर उसके बाद दुख में फंस जाना, बूढ़े हो जाना, व्याधियों में फंस जाना और मृत्यु होना, ये जो बताया जाता है और इसके कारण उन्होंने गृह त्याग किया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि भाई इसके कारण उन्होंने गृह त्याग किया, अब इसका नाश करने के लिए, मतलब कहा यह भी जाता है कि ये जो जाति जरा मरण है इसका नाश करने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। तो इस बात को समझिएगा कि जन्म तो उनका हो चुका था, सिद्धार्थ गौतम का जन्म तो हो चुका था। बुद्ध बनने के बाद 80 साल की उम्र हुई जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो बूढ़े भी हुए, अब जन्म भी हुआ, बूढ़े भी हुए, मृत्यु भी हुई, एक और बात हुई, बीमार भी तो हुए। साहित्य में इसका भी उल्लेख मिलता है। तो फिर इसमें से कौन सी बात जो सिद्ध हुई राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से, ये प्रश्न अनायास उठते हैं और लोग इन्हें पूछते भी हैं। तो फिर इसका नाश कैसे हुआ? अब अगर ये जाति जरा मरण, इनसे अगर मुक्ति सिद्ध हुई तो वो कैसे हुई? तो इस प्रश्न को अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, इस पुस्तक में बौद्ध विद्वान डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इसकी चर्चा की है और उन्होंने इसका जो जवाब दिया है वो जवाब इस समय आपके पास पहुंचाते हैं। भदंत जी लिखते हैं कि भाई ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि जब वे रोगी भी हुए, जब वे बूढ़े भी हुए, जब मरण को भी प्राप्त हुए परिनिर्वाण के बाद, तो फिर ये जाति जरा मरण से मुक्ति कैसे सिद्ध हुई? तो भंते जी लिखते हैं कि इस प्रश्न का सांप्रदायिक समाधान तो यही है कि इसके बाद उनका न जन्म हुआ न मरण। मतलब सामान्य रूप से तो इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि इसके बाद, इस व्यवस्था के बाद, गृह त्याग के बाद न उनका फिर जन्म हुआ न मरण हुआ। यही शरीर धारण अंतिम था। शरीर में ये जो इस शरीर में आए थे सिद्धार्थ गौतम के रूप में, ये अंतिम था। किंतु सांदृष्टिक समाधान, भाई ये तो हो गई कहने वाली बात, लेकिन सांदृष्टिक समाधान क्या है जो दिखता है, जिसको देखा जाए? तो समाधान ये है कि वह जरा व्याधि मरण की भीति से उत्पन्न होने वाली विकलता से मुक्त हो गए। अगर तथागत बने, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग कर घर से निकले, तो वे ये जो जरा है, व्याधि है, मरण है, इसकी जो विकलता है, इससे वे मुक्त हो गए। इसका जो डर है, इसका जो भय है, इससे वे मुक्त हो गए और फिर वे कभी इसके चंगुल में नहीं फंसे। यही भगवान द्वारा उपदिष्ट जो सांदृष्टिक मुक्ति है, मतलब तथागत भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया है, वो उपदेश यही है कि ये तो बड़ी सामान्य घटनाएं हैं और ये लोक धर्म है, इनसे
विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वे विचलित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, विचलित भी हो जाते हैं, मृत्यु के भय से बड़े भययुक्त जीवन जीते हैं, ये तो होता है। तथागत बुद्ध इन चीजों से मुक्त हो गए, इससे बाहर हो गए। एक छोटी सी घटना है, आप सबने इस कहानी को बौद्ध साहित्य में जरूर सुना है, पढ़ा है। बौद्ध साहित्य में यह कहानी मिलती है कृषक गौतमी की। तो कृषक गौतमी की इस कहानी से दरअसल बहुत चीजें सीखने वाली हैं। कृषक गौतमी की कहानी क्या है? कृषक गौतमी की कहानी यह है कि कृषक गौतमी ये कहती है कि जब वो निर्धन थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो लोग उससे बड़ी घृणा करते थे, लेकिन जब उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद उसे बेटा हुआ, तो सब उससे प्यार करने लगे, सब उसके पास जाने लगे और वो सबको प्रिय हो गए। उसका बच्चा सुंदर था, वो बड़ा कोमलांग था, सुख में पला था। वो कहती है कि वो मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय था। हर माँ के लिए होता है बच्चा अपना प्राण से ज्यादा प्रिय, कृषा गौतमी के लिए भी वो प्राण से ज्यादा प्रिय था उसका बच्चा। वो कहानी आपने सुनी है। हुआ क्या कि वह एक दिन उसकी मृत्यु हो गई बाल्यकाल में ही, जो उसका मृत्यु का समय नहीं था ऐसा लोग मानते, भाई अमूमन एक उम्र होती है, लेकिन ये बच्चा था, बाल्यकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वो पूरी दिन रात रोती बिलखती रही और रोती बिलखती पुत्र के शव को लिए घूमती रही पागलों की तरह। और घूमते घूमते किसी ने उससे कहा कि इसे किसी वैद्य के पास लेकर जाओ जो उत्तम विशेषज्ञ हो। किसी ने यह कह दिया कि भाई ये तो तेरी समस्या का समाधान, क्योंकि किसी के पास कोई समाधान तो था नहीं उसके बेटे की मृत्यु का, और वो चाहती थी कि इस बच्चे को जीवित किया जाए। तो किसी ने कह दिया कि भाई वहां तथागत बुद्ध है, वो बड़े अच्छे वैद्य हैं, जाओ उनके पास, वो इसका समाधान निकालेंगे। अब वो वहां पर गया। देखिए कृषा गौतमी क्या कहती है कि मैं बुद्ध के पास गई और कहा मुझे पुत्र संजीवन औषध दे दो, मेरा पुत्र ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसके लिए मुझे पुत्र संजीवन औषध दे दो। अब वे तो बुद्ध हैं। बुद्ध ने कहा जिस घर में आज तक कोई न मरा हो, बस इतना छोटा सा काम कर लो कि जिस घर में आज तक कोई न मरा हो उस घर से सरसों के दाने लेकर आ जाओ, मुट्ठी भर दाने उस घर से लेकर आ जाओ जिस घर में आज तक कोई न मरा हो। बुद्ध की देखिएगा समझाने की जो तरह है, और यही वो बात है कि उन्होंने जाति जरा मरण इन चीजों को कैसे इनसे मुक्ति पा ली। तो इस मुक्ति का ये जो सूत्र मिलता है ये कृषा गौतमी की इस कहानी में। तो कृषा गौतमी से वे कहते हैं कि भाई तेरा बेटा जिंदा तो हो सकता है, उसको जीवनदान तो मिल सकता है, लेकिन एक काम करो, तुम ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आ जाओ कि जिस घर में कोई न मरा हो। तो उसे लगा कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है। वो घर घर घूमी, वो अपनी कहानी में कहती है कि मैं घर घर घूमी, प्रत्येक घर में जिस भी घर में गई, उस घर में मैंने पहले तो कहा कि भाई मुझे मुट्ठी भर दाने दे दो सरसों के। यह बुद्ध ने कहा है कि यदि सरसों के मुट्ठी भर दाने लेकर आओगे तो तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, उसे जीवनदान मिल जाएगा, उसे संजीवनी मिल जाएगी। लोगों ने उसे विरोध भी नहीं किया, वे मुट्ठी भर सरसों के दाने देने के लिए उसको तैयार हो गए, वे पुत्र को संजीवनी मिलने वाली थी उसके। लेकिन फिर वो दूसरी बात पूछती गई कि भाई कभी आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है? तो प्रत्येक व्यक्ति ये कहने लगा कि हाँ हाँ, मेरे मामा, मेरे काका, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, और इनमें से किसी कारण किसी का
संदर्भ देकर वो ये कहने लगे कि भाई हाँ, हमारे परिवार में इनकी मृत्यु तो हुई है। फिर वो दूसरे घर जाती, तीसरे घर जाती, चौथे घर जाती, ऐसे एक एक घर वो घूमती रही और हर जगह उसे यही जब वार्ता मिली कि किसी की ना किसी की मृत्यु हो गई है, कृषा गौतमी समझ गई। वो कहती है कि मैं सरसों के दाने कहां से पाती। मुझे होश आया। होश आया क्या? कि ये मरण न एक घर का धर्म है, न एक कुल का धर्म है, न एक जाति का धर्म है। तो मरण किसका धर्म है? मरण ये तो प्राणी मात्र का धर्म है। ये जो जितना कुछ उत्पन्न हो रहा है सब विनाश की ओर जा रहा है। तो उत्पन्न होना और विनाश होना ये कृषा गौतमी समझ गई। वो समझ गई कि जो भी पैदा होता है वो मरता ही है। वो कहती है मैं लोकनायक बुद्ध के पास गई। मुझे दूर से ही आते देखकर तथागत ने कहा, उत्पत्ति विनाश को ना देखते हुए 100 वर्ष जीने से बेहतर है उत्पत्ति विनाश को देखते हुए एक दिन जियो। 100 साल अगर देख लिए, 100 साल अगर जी लिए, लेकिन यही ना देखा कि यह संसार उत्पन्न और विनाश है, तो ऐसे 100 साल जीने से क्या अर्थ है? तथागत कहते हैं एक दिन अगर जी लिए, लेकिन अगर यह समझ में आ जाए, यह अनुभूति में आ जाए कि यह संसार उत्पत्ति और विनाश है, जो उत्पन्न होता है विनाश होता है, उत्पन्न होना नष्ट होना यही इसका धर्म है, और इस अनित्यता का कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं, बस यही है। ये बात उसके समझ में आई और उसने कहा कि मैं प्रव्रजित हो गई। कृषा गौतमी कहती है मैं प्रव्रजित हो गई और बुद्ध की देशना के अनुसार आचरण कर शीघ्र ही अर्हत्व को प्राप्त हुई और मृत्यु के भय से मुक्त हो गई। ये जो मृत्यु का भय है, इस मृत्यु के भय से वो मुक्त हो गई, उसने अर्हत्व को प्राप्त कर लिया। तथागत ने जो अर्हत्व को प्राप्त किया, तथागत जो सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध कहलाए, ये उसका मतलब यही है कि उन्होंने मृत्यु के पार जाकर उसकी व्यवस्था को देख लिया और उन्होंने जान लिया कि इस संसार का धर्म ही ये है कि ये उत्पन्न होता है और विनाश होता है। तो इस बात से, इस भय से वे मुक्त हो गए। इस तरह वे जाति जरा मरण से मुक्त हुए और यही उनके गृह त्याग का जो फलित है कि उन्होंने इस संसार की अनित्यता को जान लिया। यहां रुकते हैं, अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।